दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहला हमला कांग्रेस नेता अजय माकन ने किया। अजय माकन ने ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर ये कहकर निशाना साधा कि सरकार देर रात में हेल्थ बुलेटिन क्यों जारी करती है। और बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी दिल्ली सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। विजय गोयल ये कहकर हमलावर हुए कि दिल्ली सरकार को दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की नहीं बल्कि राजस्व की चिंता थी, इसलिए दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में होने के बावजूद यहाँ शराब के दुकान खोलने की इजाजत दे दी गई। यहाँ तक कि शराब के दुकानों पर व्यवस्था भी नहीं की गई, जिससे कि वहां पर काफी भीड़ हुई और संक्रमण का खतरा बढ़ता चला गया। कोरोना वायरस के अंदर हम किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए अपने घर पे बैठ के उपवास कर रहे हैं, पर सरकार को हम चेतावनी भी देना चाहते हैं और सजग करना चाहते हैं कि आप इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी जी। जिस तरह से आप मनमानी कर रहे हैं, आप देखिए ना, सरकार पहले तय करे उसके लिए स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है या राजस्व ज्यादा जरूरी है। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए रेड जोन के अंदर शराब की दुकानों का खोला जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का खत्म हो जाना, वायरस का बढ़ जाना, 3 दिन में 1500 लोग और संक्रमित हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि सरकार पर लग रहे तमाम आरोपों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सफाई दी है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जो भी आंकड़े दूसरे नेता सामने पेश कर रहे हैं वो आंकड़े दिल्ली सरकार ही सामने ला रही है, इसलिए आंकड़ों को छुपाने का सवाल नहीं उठता। नहीं, छुपाई जा रहे थे तो 448 क्यों बताते, फिर तो हम 48 बताते ना। अगर दिल्ली के अंदर आज तक के सबसे ज़्यादा है, छुपाने का मकसद होता तो ये होता कि ये जीरो केस है, छुपाने का कोई कारण नहीं। और ये तो पता नहीं कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। एक हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2500 तक पहुंची है, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि सरकार कह रही है कि तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है, वो आने वाले समय में चिंता बढ़ाने की एक बड़ी वजह बन सकती है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए मैं विश्वजीत झा।